अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ऑफिस में आप हैं नहीं यहाँ पर अभी? दो बजे तक तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कचरा वाहन की गंदगी से पूछे हैं। आपने उपायुक्त को एक आवेदन भी दिया, क्या कुछ विषय को लेकर आप पहुंचे थे यहाँ पे? अभी जो यहाँ पर कचरा वाहन थे, पहले आरटीओ पुराने आरटीओ में खड़े हुआ करते थे, पर अभी वहाँ पर तहसील बनने से वहाँ स्थान परिवर्तन करके हमारे नगर निगम कॉलोनी स्थित एक जगह है जहाँ पर मंदिर के पास में अभी कचरा वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि हमें नगर निगम वासियों को और आसपास के क्षेत्र वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर बहुत बदबू आ रही है और वहाँ पर पास में ही एक मंदिर भी है, जिसके कारण कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। इसी तारतम्य में हम यहाँ पर आयुक्त महोदय से मिलने आए थे, उनके नहीं मिलने से दूरभाष से उन पर बात हुई है, उनको हमने हमारी समस्याओं से अवगत कराया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी ही हटा दिया जाएगा। भाई साहब, देखा जा रहा है कि आपने कहीं जगह भी बताई है उनको, दूसरी जगह? हाँ, मैंने जगह बताई है, इंदौर रोड पर टाटा चौराहे के पास में फायर स्टेशन है, वहाँ पर काफ़ी जगह है। मैंने वो बताया कि सर आप वहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ क्षेत्रवासियों को किसी तकलीफों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आपका परिचय? दीपेश कारण को पार्षद वाक्यमान नौ।